हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ के बारे में। तो आइए ध्यान से समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। आपकी टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ यह क्या होता है, ध्यान से समझें। मानते हैं एक सूक्ष्म आवेश है, बिंदु आवेश है प्लस क्यू, एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू। इससे बल रेखाएं निकलेंगी, प्लस क्यू से बल रेखाएं निकलती हैं जो अनंत की तरफ जाती हैं। प्लस क्यू बिंदु आवेश से बल रेखाएं निकल रही हैं जो अनंत की तरफ जा रही हैं। अब इसके चारों तरफ एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। इस आवेश के चारों तरफ हम एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसकी बिंदु आवेश से दूरी क्या है, समान है। ये जो गोलीय पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसके प्रत्येक बिंदु का, कोई भी बिंदु लें इस गोलीय पृष्ठ पर, उसकी बिंदु आवेश से दूरी समान है। दूरी समान होने के कारण, ठीक है, वहां पर विभव भी समान होगा। दूरी समान होने के कारण विभव भी समान होगा। ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे। बिंदु आवेश प्लस क्यू से चलने वाली बल रेखाएं आपने खींचा है, बिंदु आवेश को केंद्र मानकर आपने एक गोलीय पृष्ठ खींचा जिसकी दूरी बिंदु आवेश से समान है। बिंदु आवेश से गोलीय पृष्ठ की दूरी जो है प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है। समान दूरी होने के कारण समान विभव होगा। समान दूरी होने के कारण उन बिंदुओं पर गोलीय सरफेस के पृष्ठ पर विभव भी समान होगा, ठीक है। इस प्रकार के गोली पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, यह आपका एक आवेश है प्लस क्यू, इसके चारों तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, जैसे एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ले लें, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। विभव में अंतर क्या होता है, शून्य होता है। जितना विभव इस पॉइंट पे होगा उतना ही विभव इस पॉइंट पे होगा, उतना ही विभव इस पॉइंट पे होगा। तो दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, ठीक है। जिस कारण किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। जब समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान होगा दो बिंदुओं पर, यहां 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 हर जगह भी का मान समान है, तो आवेश को इन बिंदुओं पर चलने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना होगा। क्यों नहीं कार्य करना होगा, क्योंकि विभव क्या है, समान है। हर बिंदु पर विभव समान है, जिससे विभव का अंतर क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। आप सूत्र पढ़े हैं कार्य का, कार्य W बराबर Q बटा V, ठीक है। W बराबर, यह सूत्र आप पढ़े हैं,
पहले वीडियो हमने पढ़ा था v बराबर w बटा q। v क्या है? अंतर। va माइनस vb बराबर w बटा q। va माइनस v बराबर w बटा q, ठीक है। तो w क्या हो जाएगा? किया गया कार्य w बराबर vq, w बराबर त्रिज्या गुणा va माइनस vb इंटू क्यू, ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। दो बिंदु हम लेते हैं ए और बी, इन दोनों बिंदुओं का विभव क्या है? वी है, ठीक है। दोनों बिंदुओं का विभव क्या है? वी। तो वी माइनस वी इंटू क्यू, जब दोनों विभव वी बराबर हैं तो अंतर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो दो बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं पर आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विभव में अंतर क्या होता है? शून्य आता है, इसलिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने देखा कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, अर्थात किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव होगा, ठीक है। यह कब संभव होगा? यह तभी संभव होगा जब वैद्युत आवेश, जब वैद्युत आवेश को वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाएं, लंबवत ले जाया जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए, वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाए, ठीक है। अर्थात समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है, के लंबवत होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाया जाए, तो समविभव पृष्ठ पर दो आवेशों को एक जगह से दूसरे ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र की दिशा बल रेखाओं द्वारा दिखाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र की दिशा बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं जो हैं वे कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा समविभव पृष्ठ होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर
विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा जाएगा।